जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। 21वीं सदी में भी लोग जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक पर विश्वास करते हैं और इसी अंधविश्वास का फायदा उठाकर कथित तांत्रिक मंत्रिक न सिर्फ लोगों का दोहन कर रहे हैं बल्कि उनकी इजाजत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला लोथरा से आया था। मुंगेली में रहने वाले एक परिवार की नाबालिग बेटी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी, जिसका इलाज अस्पताल में कराने की बजाय अंधविश्वास के चलते परिवार बलौदा के एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया। कुछ दिनों तक नाबालिग किशोरी का इलाज करने के बाद तांत्रिक ने झांसा दिया कि यहाँ उसका इलाज मुमकिन नहीं, इसलिए इसका झाड़ फूंक लोथरा शरीफ में करना पड़ेगा। इसलिए उस परिवार को लोथरा शरीफ के आसपास मकान किराए में लेने को कहा गया। तांत्रिक शाकिर अंसारी बाबा उर्फ छब्बू मौलवी के झांसे में आकर परिवार ने ऐसा ही किया, जिसके बाद बदमाश रोज उसके किराए के घर जाकर झाड़ फूंक कर तमाशा करता रहा। इसी दौरान इस परिवार के बेटे को भी तबीयत खराब हो गई थी और मौलवी उसका भी इलाज करने लगा। हैरानी इस बात की थी कि कथित छब्बू बाबा उनके बेटे का झाड़ फूंक तो 5-10 मिनट ही करता था, लेकिन युवती को अकेले कमरे में बंद करके उसके साथ घंटों बिताता था। इससे परिवार का शक भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। बाद में नाबालिग किशोरी ने ही इसका खुलासा किया कि शाकिर अंसारी यानी छब्बू बाबा झाड़ फूंक के बहाने उसे कमरे में बंद करके उसके साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था और तंत्र मंत्र का डर दिखाकर उन्हें इसकी चर्चा किसी से नहीं कहने की धमकी देता था। रोज रोज की हरकतों से तंग आकर आखिरकार नाबालिग ने इसकी शिकायत अपने पिता से कर दी, जिस बाबा को परिवार खुदा मान बैठा था वही तो बलात्कारी निकला। यह जानते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई, सच्चाई का एहसास होने लगा, पिता के होश ठिकाने लग गए और उन्होंने मुंगेली कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी, जहां से अग्रिम कार्रवाई के लिए मामले को लुथला ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन इसी का फायदा इस बाबा जैसे लोग किस तरह उठा रहे हैं, इसका खुलासा इस घटना से हुआ है। नराधम में बीमार बच्ची भी लिहाज नहीं किया, उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा और पूरा परिवार दरवाजे के बाहर उसे आगे नतमस्तक बैठा रहा। लेकिन जब सच्चाई उजागर हुई तो उसके होश ठिकाने लगे। यह घटना हर उस व्यक्ति के लिए सबक है जो ऐसे ढोंगी बाबाओं पर भरोसा कर अपनी बहू बेटियों पर कोई रहम नहीं करते, उन्हें इन लोगों को सौंप देते हैं। इसी अंधविश्वास का फायदा उठाकर ऐसे लोग अपना गलत सही मकसद पूरा करते हैं। धर्म के नाम पर अधर्म का यह खेल कब से जारी है और इस ढोंगी बाबा ने और किन किन के साथ ऐसा दुष्कर्म किया, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।